सूरत पुलिस को रिश्वत देने के पीछे नारायण साई का एक और मकसद था। वो चाहता था कि पुलिस पैसे लेकर उन लोगों को ढूंढना या पकड़ना छोड़ दे जो केस के लिए अहम है। इनमें से एक नारायण साई की सबसे बड़ी राजदार मोनिका भी है। वो नारायण साई की सबसे करीब है। वो नारायण साई के रग रग से वाकिफ है। उसी के इशारे पर नारायण साई उठता है। उसी के इशारे पर नारायण साई बैठता है। वो नारायण साई का हर राज जानती है। लेकिन फिर भी वो पुलिस के लिए एक छलावा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी मोनिका की, जिस पर नारायण साई के कुकर्मों में साथ देने के साथ साथ उसके फरारी के दिनों में उसे छिपाने और उसकी मदद करने तक का इल्जाम है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मोनिका तक पहुंच पाना तो दूर, पुलिस उसके बारे में सही सही जानकारी तक नहीं जुटा सकी है। नारायण साई के खिलाफ सूरत में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मोनिका का नाम पहली बार सतह पर आया। जब पुलिस को यह खबर मिली कि नारायण साई कहीं दिल्ली में छिपा है, पुलिस ने तब नारायण साई की तलाश में रिज रोड में मौजूद आसाराम के आश्रम में भी दबिश दी थी, क्योंकि मोनिका नाम की ये लड़की दिल्ली की रहने वाली बताई जाती है। लेकिन इस आश्रम से न तो नारायण साई मिला और न ही पुलिस मोनिका का ही पता लगा पाई। अलबत्ता जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि इसी मोनिका ने नारायण साई को छिपने में मदद की थी। उसे कई सिम कार्ड दिलवाए थे और रहने ठहरने का इंतजाम भी करवाया था। और तो और इसी बीच ये बात भी सामने आई कि इस मोनिका के पास नारायण साई का कोई ऐसा वीडियो है जिसकी वजह से नारायण साई उसकी हर बात मानता है, यानी वो पूरी तरह से मोनिका के वश में है। संजय सिंह, सूरत आज तक।